इस समय हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, क्या कुछ खास है इस मैनिफेस्टो में सर, क्या कुछ खास है इस संकल्प में? खास क्या, सब कुछ अच्छा है। पुराने 10 साल के अनुभव से और बेहतर करने के लिए एक संकल्प लिया गया है। सब विषयों पर गहराई से अध्ययन किया गया है। 10 साल के अनुभव से और ज्यादा बेहतर कैसे करना है इसके बारे में सोच प्रस्तुत की गई है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, एनवायरमेंट है, पार्क्स हैं, जो आपके ट्रांसपेरेंसी है, सिटीजन्स चार्टर है, हर इशू पे, गरीब बस्तियां हैं, स्लम्स हैं, फेल्ड कॉलोनीज हैं, रीडेवलपमेंट जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, सभी के बारे में बहुत विस्तार से अध्ययन हुआ है। और आपने बहुत गहन अध्ययन कर रखा है इस पूर्व के, क्योंकि अध्यक्ष भी रहे हैं और उससे पहले चुनाव भी आपने बहुत अच्छी तरह दिल्ली का। लेकिन अगर बात की जाए कि भ्रष्टाचार के नाम पर एक पार्टी उभरी आपके आगे और अभी भी यही कह रही कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, एमसीडी के लिए बहुत बात है कि अब आप जिन लोगों की बात कर रहे हो उनके बारे में अब बात भी करना जो है मैं समझता हूँ बात है, इसलिए कि वो इतने अच्छी तरह से तो एक्सपोज हो गए हैं, कोई रिपोर्ट्स आ रही है, जनता भी जान गई है, जनता अब उसके उसका जो पनिशमेंट भी है उनको देना शुरू कर दी है। अब उनके बारे में उनको शुचिता से जोड़कर देखना या बात करना वो भी जो है पाप है। मैं समझता हूँ कि अब उन्हें भ्रष्टाचार का तो बारे में या उसके सोल्यूशन के बारे में तो कोई बात करने का भी कोई अधिकार नहीं बचा है। सर क्या लगता है क्या नतीजे होंगे, क्योंकि आगामी नतीजे आप लोग पहले ही, मैं समझता हूँ कि एमसीडी के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद इस बार के नतीजे सबसे बेहतरीन होंगे। इनसे बेहतरीन नतीजे मेरी समझ से शायद पुराने हिस्ट्री के अंदर नहीं आए होंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। तो ये तो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब तौर पर बोला, अगर बात की जैसे संकल्प पत्र में वो तमाम चीजें हैं जो उनका 10 साल का अनुभव है और उसको और बेहतर करने की कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ आमिर भट्ट, चैनल न्यूज दिल्ली।